नमस्कार दोस्त, आज हम ये देख रहे हैं सोनी कंपनी का होम थिएटर है। ये कोई कंपनी नहीं है, ब्रांड नहीं है और ये लोकले है। और इसमें ये प्रॉब्लम है कि लेफ्ट राइट जो साउंड होता है, एक साउंड में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों पहले मेन लीड लगाकर हम पहले चेक कर लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देख रहे हैं पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव लगाकर चेक करते हैं। पेन ड्राइव लगा लिए और जो वूफर है बेस बज रहा है। पीछे से जो छोटा छोटा स्पीकर दिया रहता है इसको लगा कर चेक करें, इसमें नहीं बज रहा है और इसमें भी नहीं और इसमें बज रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें थोड़ा खोलकर इसको हम चेक करते हैं। और दोस्तों अगर मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल घंटी दिया है उस पर टच कर लें। तो दोस्तों ये बैक साइड कोवर को जो बॉडी में कसा हुआ है, ये इसको हम स्क्रू खोल लेते हैं। इसमें दो चार को स्क्रू कसा हुआ है, लगता है कहीं से रिपेयर करके आया हुआ है मेरे पास। तो इसको थोड़ा सा हम खोल कर चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसको खोल लिए और आईसी देखते हैं, आईसी में कहीं फॉल्ट तो नहीं है। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ का आईसी निकला हुआ है और दो आईसी लगा हुआ है। और जो बीच वाला ए वाला आईसी और बीच वाला आईसी स्पीकर है और लास्ट वाला जो है रेड कलर और काला कलर का वायर लगा था वो बेस का है। तो 20-30 आईसी हम इसमें लगाएंगे, 20-30 आईसी लगता है इसमें। और यहाँ 20-30 आईसी लगा कर हम इसको थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं कि किस प्रॉब्लम के वजह से ये आईसी निकला हुआ है। तो इसको पहले हम प्लेट को बॉडी से बाहर कर लेंगे, तब आईसी को चिपकाएंगे हम। और इस तरह से चिपकाने के बाद हम नट बोल्ट को कस लेंगे। ये हीट सिंक प्लेट है, इसमें कसने की वजह है कि दोस्तों आईसी जल्दी ख़राब नहीं होता है, आईसी सेफ्ट रहता है, सेफ्टी से रहता है, ठंडा रहता है। और ये एलुमिनियम का हीट सिंक प्लेट आता है। आईसी को हम कस लिए, कसने के बाद इसको बॉडी में हम फिट कर लेंगे। जिस तरह से बॉडी से बाहर आउट किए थे हम, उसी तरह से बॉडी में अच्छी तरह से कस लेंगे प्लेट को। और कसने के बाद हम शोल्डर करेंगे। बॉडी भी लगता है कई बार खुला हुआ है, तो जितने स्क्रू है सब ढीला हो गया है। और आईसी को हम सोल्डरिंग कर लेंगे रंगे से। सोल्डरिंग अच्छी तरह से कर लिए, करने के बाद इसको ब्रश ले थोड़ा सा झाड़ लेंगे ताकि रंगे का बुरादा इधर उधर पड़ा रहता है। और ब्रश ले इस तरह से हम झाड़ लिए, ठीक है। और इसको बॉडी में एडजस्ट करके हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो ये मेन लीड है, मेन लीड को हम बोर्ड से लाइट दे रहे हैं, मेन लीड को बोर्ड से लाइट दे दिए, लाइट आ गया और ऊपर बज रहा है बेस अंदर वाला और बाहर वाला ट्राई करके देखते हैं। बज
चारों मेरा सही हो गया, और ये वाला इनपुट के लिए है और ये दोनों चारों आउटपुट के लिए है। दोस्तों इसी तरह से नए नए वीडियो आप लोगों को सामने हम लाते रहेंगे, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।